हेलो एवरीवन हाय नमस्ते कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो यहाँ पे देखिए मेरा भांजा तो कल आ गया था आप लोग देखे भी होंगे पिछले वाले ब्लॉग पे और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैं ब्लॉग अपलोड की थी ब्लॉग नहीं मेरा होम टूर का था ब्लॉग तो वही उसकी नेक्स्ट डे का क्लिप है ये तो यहाँ पे देखिए मेरा भांजा आ गया था तो सब लोग यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए आए हैं क्योंकि कोई भी छोटा वाला बच्चा होता है ना उसको देखते हैं तो मन करता है उसको पकड़ने के लिए इसीलिए सब लोग आके मेरा भांजा को पकड़ रहे थे थोड़ा थोड़ा और यहाँ पे मम्मी साग छाँट रही हैं जो उसको कुछ अलग से नाम से बोलते हैं उसको साग को तो वही छाँट रही थी मम्मी और अभी मैं किचन पर आ गई हूँ भाभी जो है छोटा मोटा बाबू का कपड़ा वगैरह हो तो धुलना होता है सुबह तो वही सब काम करते हैं और मम्मी को खाना बनाना होता है तो मम्मी बना लेती है और नहीं बनाती हैं तो फिर भाभी बना लेती हैं या फिर मैं भी बना लेती हूँ अभी तो जस्ट दुकान से मैं आई थी और बाबू उठ गया तो सब लोग खिला मतलब खेल रहे थे उसके साथ और यहाँ पे देखिए पानी हम लोग चढ़ा दिए थे इंडक्शन पे और पानी पूरा उबल के गर्म हो गया था तो यहाँ पे कल रात का चावल बचा हुआ था भाभी के पापा मम्मी और मामा लोग सब लोग आए थे ना तो काफ़ी ज़्यादा चावल मम्मी लगाई थी कल तो रात का बचा हुआ था तो खराब तो नहीं होता है और ये वाला चावल जो है बहुत अच्छा चावल है पूरा छोटा छोटा चावल है तो अच्छा लगता है खाने के लिए तो इसीलिए मम्मी बोली कि हम लोग क्यों फेंकेंगे इतना पैसे का चावल है और वैसे भी तो पानी अगर गर्म करके हम लोग इसी तरह माड़ निकाल के अगर खाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग उसी तरह ही करेंगे बोले थे कल रात को तो उसको मैं ढक के फ्रीज़ में रख दी थी और अभी पानी पूरा अच्छे से उबल गया था तो चावल जो है मैं ढक दी मतलब पानी ढक के रखी थी उसको हटा के फिर उसके बाद चावल डाल दी हूँ और यहाँ पे बाबू का मिल्क बोटल है जो कि गर्म पानी में मम्मी रख दी थी भाभी रखे थे शायद मुझे उतना नहीं पता तो यहाँ पे देखिए ये साग जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं इसको कुछ साग बोलते हैं मुझे पता है लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ आप सभी से याद भी नहीं आ रहा है अभी तो उसी को मैं अभी बना रही हूँ और ये वाला साग ना हम लोग के खेत पे एक छोटा सा पौधा भी उसका निकला हुआ है किसी दिन खेत पे जाऊँगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी वो वाला साग तो यहाँ पे देखिए वही भाभी लेके आए थे तो थोड़ा सा सूख गया था चाहे सूखा भी हो जाए ना तो भी ये बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा कच्चा रहता है तो भी अच्छा लगता है सूख जाए तो भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे उसी तरह प्याज लहसुन मिर्च वगैरह सारा मैंने अच्छे से भूनने के बाद ब्राउन हो गया था तो सब्ज़ी जो है साग वो मैं डाल दी थी और यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं तो अभी इस पर बस टमाटर डालना था जो कि मम्मी बाद में डाल दी थी सब्जी मैंने चढ़ा दिया है और अभी सब्जी बन जाएगा ढक दी हूँ उसको और चावल भी लगाई हूँ लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन अभी तक ना उबल नहीं रहा है चावल पानी बहुत ज़्यादा गर्म था फिर भी नहीं उबल रहा है और मम्मी बाहर हैं बाबू की मालिश कर रही थी हो गई हो गए अभी ख़त्म हो गया होगा क्योंकि मैं तो किचन पे थी तो चलिए दिखाती हूँ बाबू को और उसके बाद अभी मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे देखिए मेरे दादाजी और मेरी दादी जेनी पापा सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और पापा जेनी को मतलब पापा बाबू को पकड़े हुए हैं तो यहाँ पे मेरे दादाजी भी बाबू को पकड़ रहे हैं फर्स्ट टाइम पकड़ रहे हैं और वैसे भी सब लोग अपने फैमिली के हैं ना सब लोग पकड़ते हैं तो अच्छा भी लगता है और यहाँ पे देखिए जेनी बोल रही है कि बाबू को मत पकड़ो मत पकड़ो मुझे पकड़ो करके यहाँ पे ना रो रही थी सब लोग हंस रहे थे उसको देख के और दादाजी बोल भी रहे थे कि चलो इसको ही पकड़ूंगा आज की बात तुमको नहीं पकड़ूंगा ऐसे करके तो फिर वो रोने लग जा रही थी पूरा अच्छा लगता है ना ऐसे मतलब कि किसी को पकड़ो तो फिर ना बोलने लगते हैं बच्चे कि नहीं उसको उतार दो मुझे पकड़ो ऐसे करके तो जेनी उसी तरह ही बोल रही थी दादाजी को लेकिन फर्स्ट टाइम बाबू को पकड़े हुए हैं मेरा भांजा को दादाजी तो बस वही सब और यहाँ पे मम्मी बाहर बात कर रही थी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर यहाँ पे आई हुई थी और बस अंदर चली गई थी यहाँ पे देखिए मम्मी जो है टमाटर डाल दी हैं टमाटर शायद मैं ही कट की थी वही डाल दी हैं और ये अच्छे से बन भी गया है रेडी हो गया है तो ये जो साग है ना इसको हम लोग कूलहर भाजी बोलते हैं कुल्हर मैं किसी दिन अपने खेत की साइड जाऊँगी तो आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी ये वाला पेड़ कैसा होता है और किस कौन से पत्ते को खाते हैं तो उसके बाद खाना मेरा जो है बन गया था और यहाँ पे देखिए बाबू को अभी मम्मी ना सुला रही थी यहाँ पे थोड़ा सा भी ना कुछ टच हो जाता है तो पूरा वो हो जाता है और उठ जाता है तो अभी जस्ट उसको यहाँ पे मतलब मम्मी सुला रही थी धीरे 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 करके बड़ी मुश्किल से सुलाई थी और यहाँ पे अगर उसके बॉडी पे ना हाथ दो ऐसे तो वो डरता नहीं आराम से सो जाता है और थोड़ा बहुत भी कुछ टच होता है तो वो पूरा वो हो जाके उठ जाता है जिस तरह कोई डर जाता है ना उसी तरह होके झिझक के फिर उठ जाता है तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी और इसको अभी सुला दी है मम्मी नहला के तो अभी साइड साइड में अभी भाभी यहाँ पे ना बाबू को काजल वग़ैरह लगा दिए हैं क्योंकि बच्चे चाहे मतलब जैसे भी हो लेकिन बच्चे को ना किसी ना किसी की नज़र तो लग जाती है है ना तो इसीलिए हम लोग हमेशा उसको काजल दे के रखते हैं और सुबह थोड़ा सा नहीं लगा पाते हैं काजल लेकिन नहलाने के बाद उसको काजल लगा देते हैं हम लोग तो यहाँ यहाँ पे भाभी काजल लगवा दिए थे और यहाँ पे मेरी मम्मी सुला रही थी पीलो दोनों दोनों साइड पे रखे हुए हैं क्योंकि ये पलटता है बहुत और ना इतना पूरा बन, सारा पूरा पलंग के सारा पलंग जो होता है ना उसी पे अगर सुला दो तो पूरा पलंग घूमने लगता है उसी तरह होता है तो इसीलिए उसके साइड साइड पे पीलो रख दिए हैं और कोई भी इधर उधर नहीं जाता है कोई ना कोई बाबू के पास जरूर रहता है क्योंकि अभी वो छोटा है और इधर उधर से कहीं गिर ना जाए उसका ध्यान बहुत रखते हैं हम लोग और बस उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो पोछा लगाने वाला वो आता है ना उसी का ही बूढ़ा पोटा हम लोग बोलते हैं इसको तो ये मैं अभी फाड़ रही हूँ क्योंकि कुछ काम है जो कि मैं बताऊँगी आप सभी को आगे के ब्लॉग में देखिए सुबह से भाभी मेरे पीछे लगे हुए थे कि जल्दी खाना बनाइए और मेरा काम है थोड़ा सा हेल्प करिएगा करके क्योंकि उनके कमरे पे भाभी नहीं थी तो उनका कमरा बंद था और बाथरूम भी बंद था तो जो कायलेट होता है ना उसके अंदर से मतलब उसी में से मच्छर वग़ैरह घुस गए थे तो भाभी बोल रहे थे कि पे ये थोड़ा सा चिपकाएंगे थोड़ा सा हेल्प करिएगा करके तो वही मैं यहाँ पे फाड़ रही हूँ और रूम पे तो लगवा दी थी लेकिन बाथरूम पे ना जो कपास होता है कॉटन वही वाला चिपका दी थी क्योंकि बाथरूम पे नहीं लग रहा था वो तो इसीलिए और उसके बाद आ गई हूँ छत पे और बड़ी मतलब बहुत टाइम से मम्मी बोल रही थी कि जाओ तेंदू लेके जाओ सुखा दो ऊपर ऐसे करके तो ये सारा जितना भी है भाभी जो लेके आए थे बोरे पे रखा हुआ था मैं दिखाई थी आप सभी को ये वही है इसको सूखने के लिए हम लोग छत पे ले आए हैं और मैं इसी तरह ही फैला दूंगी अच्छे से सूखने के लिए और यकीन मानिए मतलब इतना छत पूरा गर्म था ना मैं सोच रही थी कि जल्दी से सुखाऊं और तुरंत से नीचे चली जाऊं नहीं तो मेरा पैर जो है ना पता नहीं क्या होते तो यहाँ पे इसको मैं इसलिए सुखा रही हूँ क्योंकि इसको सुखाने के बाद भी खाया जा सकता है और ये थोड़ा सा पका हुआ है पका पक जाता है तब भी खा सकते हैं और इसको सुखाने के बाद चाहे किसी भी महीने में हम लोग खा सकते हैं इसीलिए मैं उसको सुखा दी थी और उसके बाद अभी फिर से जो सुबह खाना बना था आप लोग तो देख ही चुके हैं मैं क्या बनाई थी और अभी ये दोपहर का खाना है पनीर थोड़ा सा रखा हुआ था फ्रिज पर तो पापा बोले कि ये बना लो ख़राब हो जाएगा नहीं तो ऐसे बोले थे तो पनीर बस मैंने कट कर लिया था और ये आलू है जो कि मैंने भून लिया है पनीर और आलू दोनों को भून लिया है क्योंकि खाली पनीर अच्छा नहीं लगता है आलू के साथ हल्का सा ग्रेवी हो तो हम लोग खा लेते हैं और उससे भी दूध कोई ज़्यादा उतना नहीं पीता है फिर भी ना पनीर वगैरह हल्का फुल्का मैं खा लेती हूँ क्योंकि हॉस्टल पर जब थी तो तब थोड़ा सा आदत भी हो गया है और फिर दीदी तो मेरी दीदी तो बिल्कुल भी ना कोई मिठाई ना कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ भी नहीं जो भी दूध का बना हुआ चीज़ होता है कुछ भी नहीं खाती वो यहाँ तक कि गुलाब जामुन तक नहीं खाती है वो तो यहाँ पे देखिए पनीर सब्जी मुझे बनाना था तो मैंने डाल दिया है फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी में नमक डाल के उसी पे डाल दी थी और अच्छे से निचोड़ने के बाद मैं इस तरह डाल दी हूँ और बस इसको अच्छे से मिला लेना है तो देखिए अब फाइनल लुक इस तरह से आया है और मेरा सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गया है सूखा वाला और अभी मुझे मतलब आप सभी से सूखा वाला ही शेयर करना था तो इस तरह से मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसी तरह देखिए मसाला जो है गरम मसाला हो नॉर्मल जो भी हम लोग चिकन वगैरह बनाते हैं उसी तरह ही था तो उसी तरह हम लोग बनाए थे तेज़ थोड़ा सा डाल के लौंग इलायची और जो काली मिर्च वग़ैरह होता सारा दालचीनी सारा अच्छे से पिसाया था मसाले पे और अभी यहाँ पे मैं पानी डाल के उबलने के लिए छोड़ दे रही हूँ क्योंकि हम लोग जिस दिन दाल नहीं बनाते या ग्रेवी वाला सब्जी नहीं बनता है तो इसी तरह हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो ग्रेवी वाला ही बनाते हैं तो इसीलिए यहाँ पे देखिए अभी इसको उबलने के लिए मैं छोड़ दूँगी और जब उबल जाएगा तो तब गैस ऑफ कर दूंगी मसाला वगैरह मैंने डाल लिया है पहले से ही और उसके बाद ये देखिए ये ना इवनिंग का टाइम हो रहा था पूरा मैं पूरा दुकान पे चली गई थी तीन चार बजे के आसपास हम लोग की दुकान पे क्योंकि इस टाइम पे दुकान पे जाना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए क्योंकि उतना भी मतलब बिक्री जो होता है उतना नहीं हो रहा है सामान तो इसीलिए जाना पड़ता ही है और अभी यहाँ पे देखिए ये जो जेनी की घर पे मैं अभी हूँ और उनका जो गाय है ना गाय का बच्चा है ये तो उसको ना कुत्ता जो है काट लिया है तो डॉक्टर बुलवाए हैं यहाँ पे मैं पूरा मतलब मुझे इतना अजीब सा लग रहा था बहुत दुख लग रहा था इसको देख के कि इतना छोटा सा है इसको ना मतलब कि जैसे कि उसकी इसकी मम्मी शाम को आ जाती है गाय पूरा आ जाती है तो इसको दूध पिला के ना उसकी मम्मी को गाय को बांध देते हैं गुहाल पे और इसको ना घर पे ही रखते हैं तो दूध पिलाने के लिए इसको निकाल दिए थे तो ये फिर दौड़ने कूदने के लिए इधर उधर चला गया था पता नहीं चल पाया मेरे दादाजी लोग को तो कुत्ता जो है इसको काट लिया था पूरा और अभी डॉक्टर आए हैं उसको बैंडेज वगैरह करके मेडिसिन लगवा दिए हैं इंजेक्शन वगैरह सब लगवा दिए हैं और तब से लेके अभी मैं यहीं पे ही हूँ शायद साढ़े छः बजे से नौ बज गया था पूरा और मुझे देख के ही थोड़ा सा दुख लग रहा था इसको इतना छोटा सा अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है इसको जन्म के इसको पट्टी वगैरह करके बांस जो होता है ना उसको बांध दिया उसका पैर भी पूरा टूट गया है तो इसीलिए और इसको मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन सब लगवा दिए हैं डॉक्टर और यहाँ पे सचिन उसको पकड़ के ना थोड़ा सा खड़ा करवा रहा था चलने के लिए थोड़ा सा चल पाए तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब से लाइक करिएगा इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लिए बाय बाय